गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज बाकी 27 जुलाई की सुबह है और फाइनली रिजल्ट आ गया है। फाइनल रिजल्ट आ गया है तो सारी कन्फ्यूजन्स खत्म हो गई है, ठीक। और जैसे ही रिजल्ट आया, देखिए धीरे धीरे हर स्टेट्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है। तमिलनाडु ने निकाल दी है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसी तरीके से एक दो और स्टेट्स ने निकाल दिया है। सेंट जॉन्स ने अपना ब्रोशर निकाला था जिसमें स्पेशली वो यूजफुल होता है जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कॉलेज है और इस कॉलेज के ब्रोशर के गो थ्रू करते समय ना आपको ओवरऑल भी बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है, जो मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ अबाउट अ गुड कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे, तो ये है होम पेज या वेबसाइट कह लीजिए आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की। जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करने वाला है और हमारा क्लाइंट नहीं है, अपने आप काम कर रहा है या किसी और काउंसलर के थ्रू कर रहा है, तो अपनी नॉलेज के लिए वेबसाइट नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स इसके ऊपर आएंगे। और इस सब प्रोसेस आप जानते हैं कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में सिर्फ नीट्स कोर्स से एडमिशन ही होता, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का एकमात्र कॉलेज, जी हाँ एकमात्र कॉलेज जिसमें सिर्फ नीट्स कोर्स से एडमिशन नहीं होता। बिकॉज जो आम ये आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, बट शुरू से ही AFMC पुणे बहुत फेमस है, डेफिनेटली क्वालिटी में हर जगह पे टॉप में आता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई ये उसी को करना चाहिए जिसमें सेवा और देशभक्ति का जज्बा ज़्यादा है और पैसे कमाने का जज्बा कम है। और फिर से आपको यही चीज़ मैं समझाऊंगा। 27 पेज का ब्रोशर है, डोंट वरी, मैं आपके 2 घंटे नहीं ख़राब कराऊंगा। तो ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। टोटल 150 सीट्स होती हैं जिसमें 5 सीटें देखिए फॉरेन कंट्रीज के बच्चे आते हैं। 145 में फिक्स है, 115 लड़के 30 लड़कियाँ, ठीक है। 7 साल का बॉन्ड होता है, हम जानते ही हैं, आगे बढ़ते हैं। 4.5 साल का कोर्स होता है, हमें पता ही है। सरकारी डिग्री मिल जाती है, चलो ठीक है, वो मोस्टली जगह मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कोई चिंता की बात नहीं। पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो भी फिर विद इन वो SC ST का रिजर्वेशन है, बट जो प्रोसेस है वो सेम रहती है उनके लिए भी, ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसा खास नहीं है, जो नीट की एलिजिबिलिटी थी वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ये जरूर आ जाता है। अब आता है नंबर ऑफ सीट्स, हमें पहले पता कितनी है, NT हो गया। देखिए हमें 8 पेज बड़ी जल्दी अब आते हैं। देखिए तो प्रोसेस जो ये बताते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और मैंने आपको साइट तो दिखाई दी। सो देखिए जैसे ही MCC का फॉर्म शुरू होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कॉलेज है, कोई स्टेट कोटा नहीं है, और सारी सीटें पूरे हिंदुस्तानी के लिए अवेलेबल हैं, पुणे में होते हुए भी कोई महाराष्ट्र के लिए कोटा नहीं है। तो जैसे ही हम MCC का फॉर्म खोलेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली स्पेशली पूछा जाता है, डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर AFMC पुणे। आप यस करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस 1880 या लिस्ट में आने के लिए 1490 बॉयज और 390 गर्ल। तो बेसिकली जितनी इनके पास सीटें हैं, हमें 30 लड़कियां हैं तो 390, मतलब तकरीबन 13 गुना, और सिमिलरली 115 बॉयज़ की सीटें हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1490, तो मतलब 13 गुना ये बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि मान के क्योंकि फिलहाल बुलाते हैं। देखिए इनकी मजबूरी ये है कि ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जब ये 1490 लोगों को बुलाएंगे तो उसमें से 500 तो पहुँचेंगे ही नहीं, तो फिर जो 700-800 वहाँ पर एक्चुअली जाएंगे उसके बाद उनकी प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होगी। और इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि इसे लॉन्ग, इसे नॉट वेरी लॉन्ग, बट इसे 10 डे प्रोसेस। सबसे पहले आपने यस करा, और ये जो 1480 बच्चे होते हैं, यूजुअली स्पीकिंग ये सारे बच्चे वही होंगे जिन्हें कोई ना कोई और सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो आपके 500 नंबर हैं, 550 नंबर हैं, आपकी इच्छा है, आप यस बटन दबाने में कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई पेनल्टी नहीं लगती, आप यस का दबा सकते हैं। लेकिन मतलब कि 600 प्लस से नीचे अगर हैं तो उम्मीद मत कीजिए कि आपको कॉल आएगी, ठीक है ना, खासकर इस साल, राइट। क्योंकि इस साल 620 में भी हम 70,000 के करीब रैंक है, तो उसके ऊपर ही कॉल आएगी। अब जब वहां पर आप पहुंचते हैं तो आपके ये बकायदा तीन तो पेपर होते हैं। पहले आपका इंग्लिश का पेपर होता है जिसको टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड रीजनिंग कहते हैं। 40 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 मार्क्स के, टोटल हाफ एन आवर का टाइम दिया जाएगा, तो वेरी फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन होगा। और इट्स अ टिपिकल इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश पेपर जो कि आयल से टोफल होते हैं, अगर आपने कभी लिया हो, ग्रामर रीजनिंग सब कुछ चेक किया जाता है उसके बाद। और आपको ये गूगल पे मिल जाएंगे इसके सैम्पल पेपर्स। उसके बाद ये जो टेस्ट होता है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, देखिए इससे कुछ मार्क्स ही लगते हैं,
बट ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसी टेस्ट की मैंने बात की थी पहले 2 मिनट में कि वो उसको मतलब आपकी मेंटेलिटी क्या है, एज ए ह्यूमन आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। ये जो टेस्ट होता है ना, ये उसी चीज़ को बाहर निकालता है। जनरली दिस टेस्ट कैन नॉट बी फेक्ड, तभी इतना फेमस टेस्ट होते हैं। तो और वही यू नो एज ए करियर काउंसलर हम ऐसे टेस्ट को यूज़ करते हैं। जब मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि बच्चे को मेडिसिन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि बीबीए करनी चाहिए कि डिजाइनिंग करनी चाहिए, तो ऑल दिस आर साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। और ऐसा एक टेस्ट एफएमसी पुणे भी यूज़ करता है कि असली में डॉक्टर बनना चाहता है, पेशेंट्स की सेवा करना चाहता है। और एएफएमसी में अगर आप जा रहे हो, थोड़ा सा आपको देश के प्रति, सेवा के प्रति ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, ये आपके टेस्ट से निकलता है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है हर बच्चे का, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। उन्होंने बोला कि जनरल आपका जनरल नॉलेज, इंटरेस्ट, हॉबीज, मतलब अगेन दे आर आस्किंग यू एज ए ह्यूमन कि आप किस तरह के इंसान हो, खुशमुख, खुश मिजाज, हंसमुख, जनरल अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रिसेंट बात करें, यू नो मतलब दे विल लाइक टू आस्क यू यूएसए इलेक्शन में क्या हो रहा है, इंडिया इलेक्शन कौन जीता। तो बिकॉज यू दे वॉन्ट अ स्मार्ट इंडिविजुअल, नॉट जस्ट समबडी जो पढ़ पढ़ के 705 नंबर तो ले आया लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। फाइनल मेरिट बन जाती है आपका, जो ये एग्जाम स्कोर था, इंटरव्यू के मार्क्स है, टोलर का स्कोर है, और इन सबको जोड़ के फिर ये आपको ऑफर देंगे। और ऑफर से पहले फिर आपके मेडिकल एग्जाम होगा जो कि बहुत मुश्किल होता है। अब सीधा आपको वो दिखाता हूँ, तो उसमें से आप ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं, और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 1,70,00,000 का बॉन्ड देंगे, और अगर आपने ज्वाइन करने के 7 दिन के अंदर छोड़ दिया तो आप बेसिकली 70,00,000 रुपये इनको पे करेंगे। सिमिलरली ये चीज़ें जो आ रही है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस लाइबिलिटी, इसको पढ़िए। और जो मैंने कहा था इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज 30,000 पर वीक, तो ये बनती है 1 साल की तकरीबन 15 लाख। और तभी उन्होंने बॉन्ड बनाया है 67 लाख का, कि मतलब आप पे ये लोग 67 लाख रुपये खर्च करने वाले हैं। तो आपसे बॉन्ड भी लिया गया कि अगर आपने कॉलेज ज्वाइन करके छोड़ा तो 67 लाख रुपये देने पड़ेंगे। इसमें से किसी भी वजह से आप का काम करने के लायक नहीं रहते तो भी सेम वो पड़ता है। और ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फिगर पे मैं थोड़ा समय लगाना चाहूँगा आप लोगों के लिए ही, कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब आप मेरे पास आते हो कि सर ये अच्छा कॉलेज, एवरेज कॉलेज, ग्रेट कॉलेज में फ़र्क कैसे आता है, तो देखिए आपको लगता है कि शायद आप बहुत पैसा दे रहे हो कॉलेजेस को, लेकिन एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अगर आपको ठीक से पढ़ाई करवा रहा है, क्वालिटी लेक्चरार्स आ रहे हैं, अस्पताल में पेशेंट आ रहे हैं, एक्सेट्रा सेट्रा सेट्रा, जो मैं 6-7 फैक्टर आपको हमेशा समझाता हूँ, तो 70 लाख रुपए तो कॉलेज आपके ऊपर उल्टा खर्च कर रहा है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग है, विदाउट हॉस्टल, समझे। तो उत्तर प्रदेश के कॉलेज जब आपको 60 लाख में पढ़ा रहे हैं ना, और वो एक्चुअली में ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो वो नुकसान में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छा कॉलेज एंड हॉस्पिटल होता है, उसका हॉस्पिटल चलता हुआ होता है, उसमें एक्चुअली पेशेंट आते हैं, चाहे वो पेशेंट आयुष्मान कार्ड से या किसी भी सरकारी स्कीम का कार्ड लेकर आए, इंश्योरेंस लेकर आए, लेकिन अस्पताल को तो पैसा मिलेगा ना, चाहे सरकार से मिलेगा, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, चाहे पेशेंट से मिलेगा। बट वो कॉलेज जिनके अस्पताल खाली पड़े हैं और जिनको ओपीडी नंबर पढ़ाने के लिए नियर बाय गाँव में बसें भेजनी पड़ती हैं, और लोगों के जबरदस्ती बीपी चेक कर करके, शुगर चेक चेक कर करके ओपीडी के नंबर पढ़ाने पड़ते हैं, उनको तो पैसा तो मिलेगा नहीं, फिर वो आ जाते हैं नुकसान में। और नुकसान की भरपाई के लिए कोई हिडन चार्ज लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई लेक्चरार्स आपको ठीक से नहीं दे पाता, अच्छे लेक्चरार पेपर पे रखे, लोकल टीचर से आपको पढ़वाया जाता है पर आवर के बेसिस पे, और ये सब होता है बिकॉज ये एक्चुअली कॉस्ट है अगर आपको ठीक से पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग फिगर थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूंगा। और फिर से भाई आ गया, जब सब कुछ काम हो रहा है तो ये देखिएगा, आप खुद ही नोट कर लीजिएगा, जैसा मैंने कहा वेबसाइट पर डाला हुआ ब्रोशर कि मेडिकल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये आप कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो वो सब भी लिख देते हैं लोग आपको मोटिवेट करने के लिए। और मैंने कहा बहुत ट्रांसपेरेंट कॉलेज होता है, सब फ़ोन शो नंबर दे रखे हैं, किसको फ़ोन कर लो, और जो भी आप ईमेल आईडी होगा आपका उस पर आपको सारी अपडेट्स भी आएंगी, होम पेज पर भी अपडेट्स आएंगी। और फिर ये शुरू हो गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये सब शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ पाओगे जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। और फिर ये हाइट वेट जो हम जानते ही हैं, तो भाई इफ़ यू आर अनहेल्दी इन टर्म्स ऑफ वेस्ट साइज तो आपका मुश्किल हो जाएगा क्लियर होना। हाइट, मेल फीमेल सब लिखा हुआ है इन्होंने,
और ये भी लिखा हुआ है जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है, ओके, मिनिमम ऑफ 14 डेंटल पॉइंट्स आर एसेंशियल, बहुत कुछ। ये पेजेस पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप उठ के वहाँ तक जाने की मेहनत करें, पता चला सब कुछ पार कर लिया, मेडिकल में रह गए, ओके। सो दिस, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ना टेंशन में रहते हैं कि सर अगर हम AFMC की प्रोसेस में जाएंगे तो क्या हम बाकी कॉलेज की एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और देखिए इसीलिए ये लोग जो अपना फाइनल रिजल्ट है ना वो राउंड 2 से पहले दे देंगे, तो ये भी हो सकता है कि आप एक तरफ AFMC लिए अप्लाई करते हैं, एक तरफ आप नॉर्मल काउंसलिंग लिए अप्लाई करते हैं, और लेट से कि आपको कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आप AFMC गए, आपको उन्होंने फाइनल ऑफर किया, आप सेम जो लॉजिक चलता है कि आपको जहाँ सीट मिली है वहाँ पर जाके रिजाइन कीजिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए। भाई यहाँ पर तो आप इतनी मेहनत तभी करने जाओगे ना जब आप रियली इंटरेस्टेड हो वहाँ जाने में, करेक्ट? तो ये भी होता है कई बार कि बच्चों को फाइनल ऑफर दी जाती है फिर वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते, और क्योंकि आप उसे बैकअप की तरह लेके चल रहे थे। पर जैसा मैंने कहा, जनरली स्पीकिंग जिसको भी AFMC पुणे मिलता है उसको ऑल इंडिया कोटा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता, तो आपके पास ऑलवेज एक ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो छोड़ के अगर आप AFMC में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। लेकिन जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी बाकी सभी काउंसलिंग के लिए सेम रहती है, ओके। सो ये था आज के लिए, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, आप सबको बेस्ट सीट मिले, और जैसा कि मैंने कहा नाउ वी आर वेरी क्लोज टू फिनिशिंग आवर कोटा ऑफ टेकिंग 100 क्लाइंट्स, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल में मिलने आने वाले हैं जिनकी फ़ोन कॉल्स हैं, और शायद हमारा 100 का कोटा अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एनकरेज भी नहीं कर रहा कि हमें कॉल कीजिए। आई थिंक जस्ट इस वीडियो को सुनिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी मिलता रहे इस पूरे अगले 2 ढाई महीने में, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है काउंसलिंग 30 सितंबर तक ख़त्म नहीं हो पाएगी, कम से कम 15 अक्टूबर तक चलेगी, और उस हिसाब से हम सभी कॉलेजेस भी लेट हो जाएंगे। ये एक्चुअली थर्ड राउंड तो ख़त्म कर ही दिया जाएगा, और फिर भी मेरे को लग रहा है कि जितना डिले हो गया कि शायद अब सितंबर मिड तक काउंसलिंग चलेगी, और फिर सॉरी अक्टूबर मिड तक, और फिर कॉलेजेस हो पाएंगे, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम तो चाहिए। तो मुझे शुरू से वही उम्मीद थी कि अगर मिड जुलाई में शुरू हो जाती तो फिर सितंबर एंड तक ख़त्म हो जाती, लेकिन अब तो भाई जाएगी अक्टूबर मिड तक, ओके। सो कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग बोलेंगे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन ठीक है हमारा कोटा पूरा हो रहा है, तो और 2-3 दिन बाद तो बिल्कुल प्लीज़ जो भी ये वीडियोस बाद में सुनेंगे स्टॉप कॉलिंग अस, मतलब फॉर प्रोफेशनल हेल्प, तो जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं यूट्यूब वीडियोस बना बना के करता रहूंगा, लेकिन वो जो इंडिविजुअल पर्सनलाइज हेल्प है वो शायद हम और बच्चों की अब नहीं कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।